हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मनोज चौधरी फ्रॉम यूट्यूब चैनल ऑफ द सनशाइन स्कूल जखनिया। टुडे आई टीच मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7 ऑफ एक्सरसाइज रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 का हम लोग अब पूरी जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गई है। लास्ट में आपका दिया है रिवीजन एक्सरसाइज। रिवीजन एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके अगले जो प्रीवियस एक्सरसाइजें हैं उससे रिलेटिव है, आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है उसको किस में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ये है 67/9, इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि 67 में क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा उसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो नाइन सिक्स जा 9 7 63 63 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 3 निकालेंगे 4, तो आपका क्या है, ये आपका क्वेशेंट आता है, ये क्या है आपका डिवाइडर है, ये आपका क्या है रिमाइंडर है। ठीक है, इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं सिर्फ समझने के लिए, बाकी ये करना नहीं है। तो क्या करते हैं कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो इस तरह डिवाइड करते हैं, जो क्वेशेंट आता है यहाँ पे होल के रूप में रखते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको नॉमिनेटर बना लेते हैं और जो आपका डिवाइडर होता है उसको डिनोमिनेटर बना लेते हैं। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज की तो 7 and 4/9 या 7 whole 4/9 होगा। ओके है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि आप लोगों को पहले बताए ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फ्रैक्शन को क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो डिनोमिनेटर दिए होते हैं फ्रैक्शन का उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम में प्रत्येक डिनोमिनेटर से भाग करके नॉमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग टू जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो जो नॉमिनेटर बड़ा होता है वो बड़ा फ्रैक्शन होता है, जो नॉमिनेटर छोटा होता है वो छोटा फ्रैक्शन होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरिमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी वेयर एबी बीसी एंड एसी। जो आपके ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का दे दिया है, साइड्स दिया है, तो साइड को क्या करेंगे, उसका पेरिमीटर निकालना होता है। तो होता है कि द पेरिमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एड ऑफ साइड। ठीक है, तो एड ऑफ साइड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे, फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस आपको करना बता दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट भी निकालने के लिए मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है उसको करने के लिए बता दिया गया है। जैसे कि आपका 5 8, क्वेश्चन नंबर 5 8 क्या है, 45 मल्टीप्लाई 3 whole 1/9। क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, उनका सिंबल देंगे और इसको क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 9 3 27 और 28/9 ये होगा ना, 9 3 27 और 1 28/9। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये पहले सॉल्व करिए, 9 5 45 और 5 से क्या करेगा, 5 × 28 = 5 × 40 5 × 10 = 14 140। इस तरह से क्या करेंगे, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइड करना, तो डिवाइड करने के लिए मैंने बहुत आसान तरीका बताया था, आसान तरीका। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 6 ए ले लीजिए, 6 से आपका क्या है, 3/8/11। ठीक है, तो मैंने कहा था अगर इस तरह दिया है, अगर कोई होल नंबर है तो इसको 1 के रूप में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए इसमें 1 फ्रैक्शन और 2 फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन बना, तो इसको सॉल्व करने के लिए, डिवाइड करने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन को हम सेम राइट करते हैं और डिवाइड वाले सिंबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो सेकेंड आपका जो
फ्रैक्शन होता है उसका क्या करते हैं कर लेते हैं रिसिप्रोकल कर लेते हैं। रिसिप्रोकल रिसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम उल्टा। तो 11/1 का उल्टा क्या होगा 1/11 ठीक है। तो अब क्या करिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो नॉमिनेटर का नॉमिनेटर के साथ करिए तो 3 1 3 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के संग 11 8 88। अगर यहाँ पे कोई संतुलित होने वाला होता है तो ऐसे ऐसे काट लेते हैं ऊपर नीचे ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल करने के लिए जैसे 5 का अगर रेसिप्रोकल करना होता है तो 1/5 होता है ठीक है। अगर अन्य जो संख्याएं होते हैं 7 जैसे कि आपका दिया 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 इसको क्या लिख सकते हैं ठीक है। तो इस तरह से 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है या 1/1 कर सकते हैं 1 ही होता है ठीक है। 12 का हो जाएगा 1/12। तो इस तरह से रेसिप्रोकल आप क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। जो प्रीवियस एक्सरसाइजें हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बता दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा देखते हैं सिंप्लीफाइड करना है किसको क्वेश्चन नंबर 8 में ए बी करके हम ए देख लेते हैं क्या है 9 डिवाइड 2 and 2/5 of 6 ठीक है। अब क्या करेंगे इसको लिख लीजिए 9 divide 5 to 10 to 12/5 × 6 कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है 9/1 × 5/12 × 1/6 9 × 5 = 45 और 12 × 6 = 70 तो इस तरह से आपका 45/72 हो गया। अगर इसको क्या कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर अगर इसको देखिए सिंपलेस्ट करना हो तो कर सकते हैं सिंपलेस्ट कर दीजिए करिए 3 से इसको डिवाइड करिए तो 3 1 3 3 5 15 और इसको करिए 3 2 6 3 4 12 और 3 से करिए 3 5 15 3 8 10 तो यहाँ पर क्या जाएगा 5 8 5/5 8 तो 5/5 8 को क्या कर सकते हैं आप यही आंसर के रूप में लिख सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए कि आपका जो सिंप्लीफाई करना था क्वेश्चन नंबर 8 का ए तो मैंने कर दिया। अब आंसर आपको देखना है कि 45/72 दिया है या 5/8 दिया तो आप इसको सिंपलेस्ट करके इसका आंसर इतना ज्ञात कर सकते हैं ठीक है। अब देखते हैं अब देखिए इसमें 8 में बी और सी डी करके दिया है इसको आप सेल्फ सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है और सेम नियम आपको मल्टीप्लाई करने वाला और जो डिवाइड वाला मैंने बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे ए मैराथन रनर रन्स 5 and 1/5 किलोमीटर इन 1 hour 1 घंटे में 5 and 1/5 किलोमीटर वो क्या कर रहा है रन कर रहा है। ही हैज टू कवर 26 किलोमीटर इन द रेस उसको कितना किलोमीटर रेस को तय करना है 26 किलोमीटर इन द रेस तो हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कंप्लीट द रेस तो वो रेस को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा ठीक है। तो चलते हैं उस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को वर्ड प्रॉब्लम के रूप में है तो ये घंटे में क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9